हेलो दोस्तों, ये है अमरजीत जो कि बिहार के गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और ये कुछ एक ऐसा कारनामा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हटके है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं खुद से जो कि बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना सोलर लाइट, बिना बैटरी के चलेगा, ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो अमरजीत हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनने कोई स्टडीज़ नहीं करी है और ये खुद से ही अपना ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि वो कैसे खुद कटिंग कर रहे हैं, खुद ही इसको इन्होंने बनाया है पूरा। और ये देखिए आप इसके आगे का हिस्सा, हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन हाँ ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनके दोस्त हैं एक और इनके बड़े भाई हैं जिनकी हेल्प लेके ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और आपको भी बता दूं कि ये जो हेलीकॉप्टर होगा ये 6 सीट का होगा। मैं आपको बता दूं कि अमरजीत जो है वो डीजल मैकेनिक है पेशे से और असम में काम करते थे, साथ ही साथ वो विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। तो अमरजीत काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं इस हेलीकॉप्टर को बनाने में और ये इनका जो हेलीकॉप्टर है मेड इन बिहार के नाम से काफ़ी फेमस है और इसको दिन रात वो लगे रहते हैं इसको बनाने में। आप देख सकते हैं कि कैसे वो इस हेलीकॉप्टर को बनाने में लगे हुए हैं। इवन इस हेलीकॉप्टर में उन्होंने GPS भी लगा रहे हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा रहे हैं। तो काफ़ी मज़े की बात है कि ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा और अभी तक इन्होंने ये रिवील नहीं किया है कि ये हेलीकॉप्टर किस मदद से उड़ेगा। मतलब ना तो इसमें बैटरी होगी, ना ही इसमें डीजल डलेगा, ना पेट्रोल डलेगा, ना ही ये सोलर लाइट से चलेगा। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे उड़ेगा फिर, तो यही देखना है। और अमरजीत किसी को बताते नहीं हैं, ये कहते हैं कि ये है सीक्रेट जो है मैं बाद में बताऊंगा जब मैं इसको उड़ा के दिखाऊंगा। लेकिन एक बात तो है कि इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको उनकी ये पहल कैसी लगी कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान एक हेलीकॉप्टर बना देता है, क्योंकि इसमें जज्बे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए कैसे उन्होंने ये हेलीकॉप्टर बना दिया है। तो मैं तो अभी से शुभकामनाएं देना चाहूँगा अमरजीत को कि उनका ये जो प्रयोग है वो सफल रहे और वो देश का नाम रोशन करें।